सन 2014 तक भारत उर्वरक की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। शुरू से ही किसानों की खुशहाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। उसी के अनुरूप सरकार ने नई निवेश नीति अपनाई, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यूरिया को 100% नीम कोटेड किया गया और गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, तालचेर एवं रामगुंडम स्थित बंद पड़े 5 उर्वरक इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया है। इसके कारण किसानों को यूरिया आसानी से उपलब्ध हो रही है, वहीं इसके आयात में भी कमी आई है। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। तेलंगाना राज्य के रामगुंडम में स्थित रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक प्राकृतिक गैस आधारित सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। ये कृषि और किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित भारत सरकार के प्रयासों का परिणाम है। RFCL द्वारा हर साल 12,70,000 मेट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया उत्पादित किया जाएगा। पांचों यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार के पश्चात 63,50,000 मेट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिससे देश में यूरिया आयात पर निर्भरता कम होगी। RFCL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेलंगाना राज्य सरकार, गेल इंडिया लिमिटेड और HTAS कंसोर्शियम की संयुक्त उद्यम है। 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित RFCL ऊर्जा बचत के लिए HTER प्रौद्योगिकी आधारित बड़ी क्षमता वाले सिंगल ट्रेन यूरिया संयंत्रों में से एक है। इसका 140 मीटर ऊंचा प्रिलिंग टावर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्रिल्स के उत्पादन को सुनिश्चित करता है। पूरी तरह से स्वचालित बैगिंग और ट्रक लोडिंग सुविधा, 32 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट के साथ ये संयंत्र कुशल कर्मियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस प्लांट से नौजवानों और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होंगे। RFCL टाउनशिप में 400 से अधिक परिवारों को निवास के साथ स्कूल, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। RFCL तेलंगाना राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र को भी यूरिया प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार ये संयंत्र स्थानीय किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने के साथ यूरिया का आयात को कम करेगा, उर्वरक आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम योगदान देगा और कृषि विस्तार को मजबूती देगा।